परमात्मा की भक्ति से कहते हैं पाप नाश नहीं होते। ये मैं ऋषिया की वचन होया करें, और एक नहीं कुति वो तो परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गटा नड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। पुण्यात्मा परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है, वो कबीर देव है। परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी की महिमा का प्रसंग चल रहा है। परमेश्वर कबीर देव जी अपनी महिमा अपनी लीला अपनी महिमा का वर्णन स्वयं ही वो लीला करके करने आते हैं, और पूरी भक्त समाज को पूरे भक्त समाज को वो तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। पवित्र वेद यही गवाही देते हैं। एक समय की बात है कि ये गोरखनाथ जी कबीर गोरखनाथ जी बनारस में आगे काशी में। पुण्यात्मा गोरखनाथ जी वैसे तो बहुत पहले हुए हैं, लेकिन ये संत साधु जो होते हैं ये पितर रूप में हो जाते हैं। ये पूर्व जन्म की भक्ति शक्ति से कुछ कमाई इनकी शेष रह जाती है, ये पितर रूप में हो जाते हैं, और उस पितर लोक से आकर ये कभी भी प्रकट हो जाते हैं। जैसे राजा परीक्षित को जब कथा सुनानी थी भागवत की, पृथ्वी के सभी ऋषियों ने हाथ खड़ा कर दिया था कि हमारे बस की बात नहीं, तो स्वर्ग लोक से सुखदेव ऋषि आए थे विमान में बैठ के, और उन्होंने वो कथा सुनाई थी। ऐसे ये ऊपर के लोकों में एक अलग स्थान है, स्वर्ग में ही एक पितर स्थान भी है। तो गोरखनाथ जी को पता चला कि रामानंद नाम के एक महर्षि ने वैष्णव पंथ का काफी प्रचार कर दिया, और ये गोरखनाथ जी भगवान शंकर के पुजारी थे, नाथ थे। जिनको ये पता चला कि नाथ परंपरा का ह्रास हो रहा है, तो वो साथ एक नाथ बनकर गुप्त रूप में, जो नहीं पता ये किसी को नहीं मालूम था गोरखनाथ है, और वहाँ आकर के उसने चैलेंज कर दिया रामानंद जी को कि मेरे साथ तू गोष्ठी कर। रामानंद जी को पता था कि नाथों के पास सिद्धि होती है और जनता सिद्धि को पसंद करती है, वो कोई सिद्धि चमत्कार दिखा देगा सब उसको विजय इकरार दे देंगे और ताली पीट देंगे, मैं हार जाऊंगा। और शर्त रखी गई थी कि जो हार जाएगा वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा, सारे अनुयायी भी उसके शिष्य बनेंगे। इस बात से रामानंद जी घबरा गए। कबीर परमेश्वर जी उस समय 10-12 वर्ष की आयु लीला में दिखा रहे थे, तब परमेश्वर ने प्रार्थना की, गुरुदेव हार जीत तो होती ही रहती है, हम आपकी आज्ञा हो तो चलते हैं। अब रामानंद जी को पता था जब भगवान ने कह दिया फिर किसी हार किसी जीत, अब चलो। अब उस दिन कबीर साहब ने जैसे वैष्णव साधु होते हैं उसी तरह की वेशभूषा बना रखी, हाथ में लोटा करमंडल ले रखा और ऐसे ही तिलक लगा रखा, फावड़ी ले रहे ऐसे साथ में। अब वहाँ पहुँच गए, रामानंद जी को आसन दिया, कबीर जी उनके नीचे चरणों में एक सुयोग्य शिष्य की तरह विराजमान हो गए। नाथ जी ने क्या किया, नाथ जी सामने अलग से आसन पर बैठ गए गोरखनाथ जी, रामानंद जी अलग आसन पर, और कबीर जी नीचे बैठ गए उनके चरणों में अपने गुरुदेव के। हमें एक एग्जाम्पल देकर गए परमात्मा कि जो परम संत आवे उनके साथ आपने कैसे व्यवहार करना है, जैसे खुद करके दिखाते हैं वो एक लीला। तो उधर गोरखनाथ जी ने रामानंद जी से कहा कि चर्चा कर मेरे तय प्रसन्न कर। तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि गोरखनाथ जी पहले इनके चेले से निमट ले तू, फिर गुरु जी से बात करना। अब गोरखनाथ क्या कहता है, अरे छोटे से बालक तू कद से साधु बन गया, छोटा सा बालक क्या उम्र है तेरी, और तू गोष्ठी करेगा
अरे वाह भोले बच्चा। अब परमात्मा बोले, नाथ जी सुन ले मेरी उम्र, सुन ले मेरी, मैं कितनी उम्र है मेरी। अपनात्मा गोरखनाथ जी कहते हैं, कब से भय बैरागी यानी वैष्णो कब से हो गए तुम, कब से भय बैरागी कबीर जी, कब से भय बैरागी। अपरमात्मा कहते हैं, नाथ जी जब से भय बैरागी मेरी आद अंत सुध लागी, धरती नहीं जब की टोपी, दीना ब्रह्मा नहीं जद का टीका, शिव शंकर से योगी ना थे जद का झोड़ी सिक्का। अपरमात्मा कहते हैं, तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म बिना हुआ था, मैं उस समय का बैरागी हूँ। अब नाथ जी ने सोचा, देख छोटा सा बालक और कैसी ऊंची बात करता है, द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा, सतयुग मेरी फेरे दुहाई और कलयुग फिरू नौखंडा, गुरु के वचन साध की संगत अजर अमर घर पावे, कह कबीर सुनो हो गोरखे, मैं सबको तत्व लखावे, गुरु के वचन साध की संगत अजर अमर घर पाया, कह कबीर सुनो हो गोरखे, हम सबको तत्व लखाया। अब गोरखनाथ ने सोची, न्यू कहे मैं तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश का, क्योंकि शिव के उपासक है नाथ जी, तमो गुणी शिव के। तो परमात्मा की ये बात सुनकर गोरखनाथ का खटक लागी, अग देख छोटा सा बालक बकवास कर रहा, न्यू कह ये टोंट कस रहा है मेरे ऊपर। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जय कोई बूझे बावरा, क्या है उम्र हमारी, असंख्य युग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी, कोट निरंजन हो गए पर लोक सिधारी। ओ परमात्मा कहते, ये करोड़ निरंजन ज्योत निरंजन काल मर लिए, ये करा कितनी बार मृत्यु होली इसकी, हम तो सदा महबूब हैं ये सृष्टि बेचारी, अरबों तो ब्रह्मा गए 49 करोड़ कन्हैया, ये 7 करोड़ तेरे शंभू मर लिए, मेरी एक नहीं पलैया। अब परमात्मा कहे, तेरे अरबों तो ब्रह्मा मर गए और 49 करोड़ कन्हैया और 7 करोड़ तेरे शंभू मर लिए, मेरी एक नहीं पलैया। कोटिक नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी, देवताओं की गिनती नहीं कहाँ ए सृष्टि बिचारी, नहीं बूढ़ा ना बालक ना कोई भाठ भिखारी, कहे कबीर सुनो हो गोरख या सुन ले उम्र हमारी। अपनात्मा परमात्मा ने 600 साल पहले कहा था, तेरे करोड़ों ब्रह्मा मर लिए और किरा कितने निरंजन मर लिए, और मेरी तो एक पल भी आयु अक्सीड नहीं हुई है, ये पूर्ण परमात्मा है। यहाँ एक समस्या आती है कि आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, और उस समय ये शब्द कोई बोल दे तो उसका जबान खींच दें ये नकली गुरु। ऐसे समय परमात्मा ने ये डोल के डंके पर ये ज्ञान कहा था, आज वो सच्चा सिद्ध हो गया। देखिए देवी भागवत महापुराण में या गीता प्रेस गौरव से प्रकाशित है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है, प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद उन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, 123 पृष्ठ पर ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी में लिखा है कि ये नाशवान है, 123 पृष्ठ पर और तीसरा सकंद देखिएगा। भगवान विष्णु जी अपनी माँ दुर्गा की महिमा सुनाते हैं, तो
तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सब तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म, त्रोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति हो, सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सत्यति और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर। तो हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्माओं चार कंसेप्ट क्लियर हो गए इससे। एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, दुर्गा इनकी माँ नंबर दो। तीसरा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। चौथा ये हो गया कि ये केवल जैसा कर्म करोगे उतना ही फल दे सकता, ये कोई परिवर्तन आपके भाग्य में नहीं कर सकते। अब गोरखनाथ ने सोचा, ये तो भाई ना बने बात, घनी ऊंची ऊंची बात करता है। तो फिर उसने त्रिशूल के ऊपर जाकर आसन लगा लिया और कहा, यदि तूने मेरे से चर्चा करनी है तो मेरे बराबर आकर बैठो, समांतर आओ मेरे। तो परमात्मा बोले, नाथ जी ये तो जादूगरों के काम है, भगतों संतों के काम थोड़े होते हैं। चर्चा करो, चर्चा कर, गोष्ठी की बात हुई थी। कहने लगा, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, देखो लोगों, अब इनके पास कुछ है नहीं, अब देखो ये मेरे बराबर में आकर बैठे तो मैं मानूं, फिर चर्चा करूंगा। एक दो बार भगवान ने कहा, पर ये नहीं माने तमोगुण उपासक। अब परमात्मा क्या करते थे, छोटी सी उम्र में ही कपड़ा बुनन का कार्य करने लगे थे। जैसे माताएं कुकड़ी वो चरखे पर काटा काटा काट के ना एक रील बना दिया करती, इसी मोटी बीच तो मोटी आगे पाचत पतली, हमने खूब देख रखी है, हमारी दादी काकी ताई माँ खूब काटा करती, और वो इतनी मोटी होती थी बीच तो अच्छी मोटी, आगे पाछत पतली होती थी। परमात्मा ने बेरा था इसकी, ये कहाँ तक बकवाद करा, जेब में डाल रखी थी वह निकाल के जेब में, तो पूरी धागे की रील व कच्चे धागे की रील, कुकड़ी बोले हमारे क्षेत्र में, उसका एक धागे का एंड पकड़ लिया और परमात्मा ने ऊपर को फेंक दी, वह ऐसे अनबंडल होगी, उधड़गी और सीधा धागा स्ट्रेट खड़ा हो गया। मालिक की शक्ति से सीधा धागा लगभग 150 फुट ऊंचा, इससे भी ज्यादा वे सको सट्रेट खड़ा हो गया दागा, भगवान की कृपा से शक्ति से। और कबीर जी वहां से उठे, आसन आसन पदम लगाए लगाए ऐसे आकाश में उड़ गए और वहां 150 फुट 200 फुट ऊंचे जाकर वहां विराजमान हो गए, ऊपर ले एंड पे, तो उस धागे के ऊपर ले एंड पे, ऊपर के छोर पे, और कहा, नाथ जी आ जाए मेरे बराबर बैठ, यहां बात करेंगे। अपनात्मा ऐसी बात नहीं थी कि नाथ जी ना उड़ सकते थे, क्योंकि एक सीधी आकाश से उड़ जाई, एक सीधी जल पैर डालाई, लेकिन इन सिद्धियों से बात नहीं बनती है। अब जैसे ये घड़ी है, ये लोहे की इसकी नीडल बनी हुई है, ये सुई बनी हुई है, ये चल रही है, मैकेनिक ने सिद्धि कर दी, ये चल रही है, और इसके सामने चुंबक आ जा, जाम हो जाएगी यहीं की, ये सथिर हो जाएगी, ये नहीं चल सकती फिर। तो पूर्ण परमात्मा ने अपनी कृपा से उसकी वह ऑफ कर दी, वह सिद्धि फ्यूज कर दी। अब नाथ जी ने थोड़ा सा उकसा, उकस कर नीचा कपड़ा ने गद दे, अब वो जान गया भाई, वो जान गया इस बात को, क्योंकि उनको पता होता है कि वो आम व्यक्ति नहीं, क्योंकि गोरखनाथ वो सिद्ध जो एक छोटी सी पहाड़ी थी उसको सोने में परिवर्तित कर दिया था, आज टकरा गया। वो कहता ना एक भगत, आखिर में ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया, ऊंट की बहुत ऊंचाई होती है, जब पहाड़ के नीचे खड़ा हो जाओ उड्डे दिखा रहा माखी सा, वो चोटी मत देखे थे। तो उसने
वो जान गया कि ये तो आम व्यक्ति नहीं है, ना गोरखनाथ के सामने कोई सिद्धि में टिकनिया नहीं था।